साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे बहरीन से रिलेटेड। बहरीन की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे, ये मान सकता हूं कि लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए बहुत ही बेस्ट न्यूज़ लेके आया हूं मैं। इससे पहले साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहे। तो भाई पहले बता दूँ कि बहरीन में कोरोना वायरस का क्या हाल है, वहाँ की क्या कंडीशन है। तो बता दूँ अभी बहरीन वैसे छोटी कंट्रियाँ होती हैं, इसमें इतना प्रभाव नहीं है, फिर भी 811 यानी 811 के करीब अभी वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से डेथ की बात करें अभी तक 5 लोगों की वहाँ पे कोरोना की वजह से डेथ हुई है, जिसमें से रिकवर बहुत अच्छे हो गए 458 यानी लगभग 450 प्लस वहाँ पे 1100 रिकवर हो चुके हैं, यानी 800 में से आधे बंदे रिकवर हो चुके हैं यानी बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बहरीन बेस्ट कंट्री है जहाँ पे कोरोना पे काबू कर लिया गया है। फिर भी गवर्नमेंट, देखो क्या होता है कि जिस गवर्नमेंट के पास अगर इकोनॉमी मजबूत होती है बहरीन की, तो भैया आपको पता है एक बहरीन दिनार का लगभग 200 के करीब बनता है, तो सिक्का हार्ड है और पैसा भी बहुत है गवर्नमेंट के पास, तो लोग कम होने की वजह से गवर्नमेंट पैसा दे देती है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ही बेस्ट आप लोगों के लिए किया, वर्करों के लिए। इससे पहले मैं बता दूं लॉकडाउन बहरीन में चल रहा है, आप सबको वहां पर जो रहते हैं उनको पता है साथियों, इसकी वजह से कंपनियां बंद हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, सैलरी वगैरह में प्रॉब्लम आना, ये वो सब कुछ क्लोज है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल, ये तो मजबूरी है, सुपरमार्केट वगैरह तो ओपन होते हैं नहीं, हो गए तो फिर बंदे खाएंगे क्या, वहां आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको सबको पता ही है बहरीन में जो लोग रह रहे हैं। बाकी इसमें बता दूं साथियों कि मान लीजिए आप बहरीन में रह रहे हो, आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, आपका अखामा एक्सपायर, आपका जो भी आपकी वाइडी है वो एक्सपायर हो रही है, या फिर आप छुट्टी लेके इंडिया आ चुके थे, वापस जाने वाले थे लेकिन ये लॉकडाउन होने की वजह से आप वहाँ पे वापस नहीं जा पा रहे हो, आपके वीज़ा में कम टाइम था, वो एक्सपायर हो जाएगा, या तो हो गया लोगों का या फिर हो जाएगा, या फिर आपके पासपोर्ट में वीज़ा, आप वहाँ से एम्बेसी में छप के पासपोर्ट में लग के आ गया था, आप जाने वाले थे, आपकी टिकट भी कैंसिल हो गई, आपका वीज़ा भी कैंसिल हो गया। भाई टिकट कैंसिल हो गई इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जिस एयरलाइन की बनी है, वो आपको रिफंड करेगी, ठीक है, या फिर टिकट जब भी होगी आप रिन्यू उनको करवा सकते हो, या फिर वीज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ की गवर्नमेंट की। तो भाई आपका चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे आपका वर्क परमिट वीज़ा हो, चाहे आपका बिजनेस वीज़ा हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, कहीं पर भी आप बैठे हो, चाहे आप बहरीन में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, कहीं पर भी हो, आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा बिना किसी फाइन के, बिना किसी जुर्माने के, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये श्योरिटी है। हर गवर्नमेंट गलत की कर रही है आपको पता होगा। बाकी बेस्ट न्यूज़ मैं बता दूं साथियों क्या है, जो लोग बहरीन में रह रहे हैं, बेस्ट न्यूज़ मैं बता दूं, जो लोग बहरीन में रह रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ की कंपनियाँ उनको तनख्वाह नहीं देगी, क्योंकि हो सकता है कंपनियों के पास इतना पावर नहीं हो कि वो तनख्वाह दे दें, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देगी 3 मंथ, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने की तनख्वाह आपको बैठे बैठे मिलेगी जो वहाँ पे रह रहे हैं। इंडिया आ गए उनको नहीं मिलेगी, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको मिलेगी। इसके लिए 215 मिलियन एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट का आएगा, ठीक है, बहरीन गवर्नमेंट का, लेकिन वो अपने गवर्नमेंट की तरफ से आपको सैलरी मिलेगी, अलग से उनका फंड बनाया गया है, एक विधेयक अभी वहाँ की संसद में डाला, वो अभी पास होते ही वो तनख्वाह फिर आपको मिल जाए, वो सैलरी आपको मिल जाएगी 3 मंथ की। तो मेरे हिसाब से साथियों कितनी अच्छी न्यूज़ है कि आप वहाँ पे बैठे रहोगे या बैठे बैठे आपको तनख्वाह मिल जाएगी। बाकी भाई जो गलत, मैं मानता हूँ कि अभी कोरोना की महामारी में मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी कंट्रियाँ हैं उसमें गलत सबसे बेस्ट है, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे मस्कत, बहरीन, कुवैत, सब कंट्रियाँ वर्कर्स के लिए अच्छा बेनिफिट देके आ रही हैं, बहुत सारी और जैसे और हैं तो वो भी आगे कुछ करेगी, बाकी बहरीन के वालों के लिए बेस्ट न्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बहरीन से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी आपको रोज मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।